आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी की पेशी के मौके पर इस्लामाबाद को काबुल और बैरूत में बदल दिया गया। ऐसा पहली मर्तबा हुआ है कि साहिल के वकला को भी अदालत जाने से रोक दिया गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी फरहतुल्लाह बाबर कहते हैं कि इमरान नियाजी ने आवाम के साथ जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। अब हुक्मरानों को अपने जाने का यकीन हो चुका है और इसीलिए वो ऐसे गैर जमहूरी हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। बेरूत का और काबुल का मंजर पेश कर रहा है, ये लग रहा है कि जैसा बेरूत है या काबुल बन गया है। वजह क्या है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने और यूसुफ रजा गिलानी साहब ने आज अदालत में पेश होना था। जब हम आए तो हमें तो छोड़े, वो वकला जो डिफेंस के वकला थे उनको भी रोका गया। अगर कोई फॉरन कैमरा मैन यहाँ हुआ और उसने ये तस्वीरें बनाई और उसके नीचे ये कैप्शन लिख रहे कि बेरूत का मंजर बदल गया, बेरूत अब इस्लामाबाद बन गया, तो कोई गलत नहीं होगा। एक शायर अदालत में जाता है, उसको बुलाया जाता है और उसके वकला को नहीं जाने दिया जाता। वजह यह है कि हुकूमत इमरान नियाजी बौखलाहट का शिकार है। बौखलाहट का शिकार इसलिए है कि उसने जो वादे किए थे वो लोगों के साथ पूरे नहीं कर सका। वो एक्सपोज हो चुका है, उसे मालूम हुआ है कि जी का जाना ठहर गया। अब जबकि जी का जाना ठहर गया वो बौखला गया,